बायतू विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल ने शुक्रवार को रिटर्निंग अधिकारी बायतू SDM विवेक व्यास के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए रालोपा की नामांकन रैली में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों वाहनों में हजारों की संख्या में रालोपा व ASP समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली में आए रालोपा पदाधिकारियों और कई समर्थकों ने जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल को जिताने की अपील की। इस दौरान आम जनता को संबोधित करते हुए उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा गरीब और दलित का शोषण किया है। कांग्रेस और BJP मिली हुई पार्टियाँ हैं। पहले जनता के पास कोई विकल्प नहीं होने के कारण वो एक बार कांग्रेस और एक बार BJP को जिताते थे, लेकिन अब रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जनता को तीसरा नया विकल्प सौंप दिया है। इस बार जनता ने रालोपा को जिताने का पूर्ण मन बना लिया है। EVM थर्ड वोटिंग उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में होने जा रही है और जो तमाम जितनी भी अफवाहें जितने प्रकार से भ्रमित और बरगलाने की बातें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं उनके मुंह पर आज ताला इस जनसलाब ने लगा दिया है। मैं चाहता हूं हनुमान जी बेनीवाल साहब को और संदर शेखर जी आजाद साहब को कि मेरे ऊपर भरोसा करके बायतू से उम्मीदवार बनाया। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को आप अपना अमूल्य वोट मुझे देकर आप मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएंगे। जब 2018 का चुनाव हुआ आप लोग मारो खूब मान सम्मान रखियो, मारो मन रखियो और जीत के बिल्कुल नजदीक ले जान छोड़ दिया। इन वास्ते हैगो पहला तो आपने पहल के वोट देना जगह को धन्यवाद दो और पहल की बार फूकी जो कोनी हज साहब मन रोज ही आगा करे कि पहल के हवलान थे मिले आर तो नहीं हो फड़ा को फड़ता नहीं तो पहल के आप लोग तो खूब मन रखियो पर मारी थोड़ी आप कमी रहेगी बी की वजह हो थोड़ा लार रह गया। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार के बलबूते पर 5 साल राज किया है। राजस्थान में आम जनता का जीना दुर्लभ हो गया है। उन्होंने लोगों से रालोपा को जिताने का आह्वान किया। इस दौरान रालोपा और ASP पार्टी के पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही।